2021 का कैलेंडर आने वाला है, थोड़ा बताइए किस तरह का लुक हमें देखने मिलेगा इस कैलेंडर में। एक्चुअली लुक तो मैं बताऊंगा नहीं वरना फिर मजा किरकिरा हो जाएगा, बट इट्स समथिंग डिफरेंट। विक्टर हैज स्टाइल्ड मी ब्रिलियंटली, बहुत अच्छा काम किया विक्टर ने और तन्मय ने। तन्मय आ गया है यहाँ पे, आ जाओ। हाउ आर यू ब्रदर, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच। तो आई थिंक तन्मय का कैलेंडर के बारे में मैंने हर साल सुना था, पर इस साल मुझे मौका मिला है बी अ मॉडल इन इट, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। तो जैसे लॉन्च होगा, आई थिंक जब जुलाई मंथ लॉन्च करेगा ये, तब दिख जाएगा। तो आप बताइए व्हाई कुणाल फॉर द कैलेंडर? व्हाई कुणाल फॉर द कैलेंडर? आफ्टर सो मेनी इयर्स व्हाई कुणाल? एक्चुअली हम लोग ने लास्ट ईयर जो फर्स्ट कैलेंडर किया था तभी भी हमने सोचा था कुणाल को मैसेज करेंगे, बट कुणाल इतने बिजी थे कि बस हुआ ही नहीं। तो इस साल हमने सोचा कि चलो करते हैं, और लकीली ये फ्री थे तभी उस टाइम पे एक दो दिन उन्होंने टाइम निकाला और हमारा शूट हो गया। अब बताना चाहेंगे या दिखाना चाहेंगे? एक्चुअली दिखाना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे बस। कुणाल 2020 सब जानते हैं बहुत बुरा रहा, आपने एक चीज क्या सीखी है 2020 से? मैंने एक चीज जो सीखी है ना कि फ्यूचर आप कभी भी एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। मेरे बहुत सारे प्लान्स थे, बहुत सारे अरमान थे 2020 को लेकर, जो आई थिंक मिडिल के जो 6-7 महीने थे वो बहुत ही एक्चुअली लॉकडाउन में गया, घर के अंदर थे। जो मेरा प्लान्स था करने का या जो जहाँ पे पहुँचना चाहता था, जहाँ घूमना चाहता था, वो सब होल्ड पे आ गया। तो जो लास्ट ईयर मैंने इवन न्यू ईयर पे अगर जो होते हैं ना रेजोल्यूशंस, जो कभी जिसका पालन होता नहीं है, बट एक बोलते हैं कि अगले साल ये चीज़ें अचीव करने की कोशिश करनी है, वो अचीव करने की कोशिश का मौका भी नहीं मिला। तो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, ये सिखाया गया, सुना है पर इस बार सीखा है। सो 2020 में तो आपको नहीं देखा गया, लेकिन 2021 में क्या प्लान्स है? जैसे आपने कहा कोई प्लान्स बनाने नहीं चाहिए, लेकिन अब जब एक साल पूरा 2020 में देखा तो सही पवित्र भागे में, और उसके बाद 19 था कि 20 था? नहीं, उसके बाद लंबा लॉकडाउन हो गया। तो अब 2021 में क्या प्लान्स हैं आपके? 2021 में अभी हाल फिलहाल तो ये प्लान है कि ये साल को पहले निकल जाने दें, फिर एक कोई अच्छा शो अच्छे प्रोड्यूसर के साथ ढूंढें और तन्मय के साथ अगले साल का कैलेंडर भी करें। तो ये प्लान्स हैं मेरे हाल फिलहाल, और होपफुली थोड़ा जो ट्रैवल इस साल करने को नहीं मिला वो अगले साल करें। ओ ब्रिलियंट, इट वॉज वेरी स्मूथ, आई थिंक बहुत प्रोफेशनल था। मेन चीज़ जो मिस्टेक्स का मुझे डर था, और बहुत हाइजीनिक था। इट वॉज शॉट बिटवीन जस्ट 3 पीपल, मी हिम एंड द मेकअप हेयर, दैट्स इट। सो आई थिंक दैट वॉज ब्रिलियंटली डन, एंड सेटअप वॉज ब्रिलियंट, हिज लाइटिंग इज फैंटास्टिक। आई थिंक एज अ फोटोग्राफर इफ समवन टेल्स यू योर लाइटिंग इज फैंटास्टिक, आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट यू कैन गेट। तो आई थिंक इट वॉज अ ब्रिलियंट एक्सपीरियंस, एंड इट वॉज क्विक, इट वॉज डन इन एन आवर्स टाइम। And last time from me arriving, getting makeup, hair, everything done and hour and I'm out. So I think that was also a good thing. It was a brilliant experience and I really hope to collaborate with him again. Thank you. Thank you guys. Runway? Hanji. So look here. बताइए कि क्या नया होने वाला है इस कैलेंडर में और आपके लुक के बारे में थोड़ा कुछ बताइए। अनफॉर्चुनेटली मैं जब ये शूट कर रहे थे तब यहाँ पर नहीं था, तो मैं यहाँ पे उनको गुड विशेस देने आया हूँ। एंड आई एम श्योर कि जो भी शूट किया उन्होंने, आई नो कि कोविड की वजह से इंडोर शूट किया इस बार, जितने भी एक्टर्स अवेलेबल थे उनके साथ में। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि कैलेंडर शूट कैसा हुआ, बिकॉज आई हैव नॉट सीन इट येट। 2021 के लिए सब लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं कि 2020 सब ऑलरेडी खराब हो चुका है, क्या प्लान है 2021 के आगे? देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ख़राब हो गया था 2020, जो भी हुआ जो होता है अच्छे के लिए होता है, बहुत कुछ सीखा भी है इस में, जो टाइम मिला उसे अच्छे से स्पेंड भी किया है। सो आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, और 2021 भी अच्छा ही होगा ये मान के ही मैं चल रहा हूँ, और यू शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। 2020 से क्या सीख मिली आपको? 2020 से मैंने ये सीखा कि आप जितनी भी प्लानिंग कर लो, भगवान के पास अपने खुद के प्लान होते हैं, तो और जब आपके साथ या फिर पूरी दुनिया के साथ में कुछ बुरा चल रहा है, तो आपको पॉजिटिव रहना है, तो ही आप अच्छे से उस टाइम को काट सकते हैं, ये सीखा मैंने। और टेलीविज़न के लिए किस में
नजर आने वाले हैं और OTT का भी जमाना चल रहा है, तो ऐसा कुछ सोचा है कि? जी हाँ, बातचीत चलती रहती है लेकिन जब तक बात कंफर्म नहीं होती आई कैन नॉट से एनीथिंग, बिकॉज आपको मालूम है इस इंडस्ट्री में कैसा होता है, जब तक सब कुछ छप ना जाए तब तक मैं अपना मुंह बंद रखूंगा। नहीं, मैं इतना फॉलो नहीं कर रहा, ऑन एंड ऑफ कभी कभी देख लेता हूँ। एजाज़ जो भी मैंने देखा है वो कुछ अलग उनका रूप दिखाई दे रहा है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं, तो मुझे लगता है वो हो सकते हैं। बाकी मेरी गुड विशेज़ तो जैस्मिन के साथ भी हैं बिकॉज शी इज़ अ फ्रेंड, सो जो भी जीतेंगे आई डोंट नो बिकॉज आई एम नॉट फॉलोइंग इट मच। नागिन फाइव भी अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, शरद हैं, सुरभि हैं, मोहित हैं, सो ऑफकोर्स बालाजी के पास उनका जो फॉर्मूला है उस हिसाब से वो चला रहे हैं शो, एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हाँ मैं हूँ कैलेंडर, आपको पता होना चाहिए था, बट हाँ मैं हूँ। एंड यस, तन्मय जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ आता है, एंड इस बार उसने थीम रखा था क्वारंटीन, जो कि इस साल का हॉट टॉपिक था, तो डेफिनेटली वो थीम बहुत ही कैची है। एंड जो मेरा लुक है इट्स लाइक आई एम वॉशिंग क्लोथ्स, ऐसा कुछ थीम बनाया था उसने, तो आई एम रियली ग्लैड, एंड मैंने ऐसा कभी शूट किया नहीं था, सो आई होप यू गाइस लाइक दैट शूट। कैसा एक्सपीरियंस रहा तन्मय के साथ शूट करने का? वेल बहुत ही यूनिक था, बिकॉज मैंने सोचा नहीं था कि इतनी क्रिएटिविटी उसमें होगी, बिकॉज वॉशिंग क्लोथ्स मतलब मेरे दिमाग में तो ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं आया था आज तक। एंड जिस वे में हमने शूट किया बहुत ग्लैमरस है, तो ग्लैमरसली ऐसा फ़ोटो शूट करना मतलब ये तन्मय ही सोच सकता है ना, आई एम रियली ग्लैड कि मैं उस कॉन्सेप्ट में था। ओके, 2020 को लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर चुके हैं, सबके लिए बुरा हो चुका है, क्या सीखा आपने 2020? ठीक है, अब हर दिन और हर साल ईद मतलब ईद नहीं हो सकता, कभी ना कभी आपको नॉर्मल भी होता है, तो डेफिनेटली इस बार थोड़ा सैड रहा सबके लिए, बट ठीक है कोई बात नहीं, अभी सारी चीज़ें ट्रैक पे आ गई हैं, तो मीडिया इज़ ऑन ट्रैक, आर इंडस्ट्री इज़ ऑन ट्रैक, तो ठीक है अभी वापस से चीज़ें हम मैनेज करेंगे, जो चीज़ें छूट गई हैं कल उन सबको वापस मैनेज करेंगे। कोई भी शो ऑफर होता है तो फैंस को बुरा लगता ही है, एंड वो शो भी अच्छा चल रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली चीज़ें हो जाती हैं तो उसको कुछ कर नहीं सकते, बट हाँ जितना भी रहा बहुत अच्छा था, एंड फैंस अभी भी बहुत प्यार करते हैं शो को, सो दैट्स द ह्यूज सक्सेस फॉर द शो। हाँ डेफिनेटली ये मेरे करियर का अभी तक का सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रोल था, मुझे भी बहुत मज़ा आया, बिकॉज मैंने कभी इतना पुश नहीं किया था एज एन एक्टर खुद को, 5 kg लूज करना, बॉडी लैंग्वेज बदलना, एंड फेस फैट वगैरह सारी चीज़ें कम कर दी मैंने, तो आई एम फीलिंग ग्लैड कि जो मैंने मेहनत की थी वो अब दिख रहा है लोगों को, एंड पीपल अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो आई एम ग्लैड एंड आई विश कि ये शो जो है बहुत लंबा रन करे, एंड मेरे करियर का अभी तक का सबसे अच्छा हिट हो। Not only PC, I would say the whole Buffy cast, and I watched so many pictures like My Name Is Khan, Koi Mil Gaya, obviously those characters which were not normal, जो थोड़ा हटके थे, so that मुझे वो push, वो inspiration मिले ये character play करने के लिए। मैं Bigg Boss नहीं देखता। सो तन्मय मेरे लिए बहुत अच्छा दोस्त है, मैं तन्मय को पिछले 2 साल से जानती हूँ, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम अ पार्ट ऑफ दिस कैलेंडर, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट, एंड यू नो आई हैव सीन माई शॉट विद शिवम, एंड आई थिंक इट्स कम आउट वेरी नाइस, इट्स कम आउट ब्यूटिफुली, एंड आई थिंक आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी द अदर शॉट्स एज वेल, आई वांट टू सी हाउ द एंटायर कैरेक्टर इज लुकिंग, आई एम एक्साइटेड। क्या कहना चाहेंगे? जो है घर से बाहर हो गए,
So I have actually not been following Jokers all that much, but yes, I did see the incident, and मैं बस ये कहना चाहूँगी that I know Vilas personally, and I know that he is somebody that will never intentionally try to hurt anybody, and I think we've seen that side of him in the house as well. तो अगर कुछ हुआ होगा घर के अंदर तो I'm sure something must have instigated him for him to react that way. But I think he apologized as well to Arshi many times. तो यह होते रहता है इसको Big Boss house. But are you following? I am in bits and pieces, like I watch it in between, but I'm not avidly following. But who feels like Abhishek is like he or she will win? So honestly, it keeps changing because new people keep entering the house. But I think a lot of people are very strong in the house. I think Rubina is doing very well for herself. She's very strong, and she's somebody that I would want to win in the house. Thank you so much. Thank you so much. Yes, hi, I'm good. How are you? जी एक्चुअली बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि आप देख सकते हैं 2020 में तो हम लोग ज़्यादा मिल नहीं पाए सबके साथ सब इतने टाइम से घर पे थे कहीं बाहर नहीं जा रहे थे कुछ एक्साइटमेंट कुछ ज़्यादा एक्साइटिंग किया नहीं सो इस कैलेंडर के साथ हमने एक कोशिश की है कुछ एंड जिस कैलेंडर की जो थीम भी थी वो भी लॉकडाउन पर ही थी और हमने लॉकडाउन में क्या क्या किया तो अगर आप देख चुके होंगे तो हर लुक कुछ ना कुछ लॉकडाउन से मिलते जुलते हैं जैसे हम लोगों ने खाना बनाया लॉकडाउन में बर्तन धोए हैं अपने घर का काम किया है घर रह के हमने शूट कैसे किया है सो दिस कैलेंडर इज ऑल अबाउट दैट 2020 सब बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं जी आपने क्या सीखा 2020 क्रिटिसाइज तो कहते हैं ना जो चीज़ मुश्किल होती है जो वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाती है सो आई गेस 2020 ने हमें बहुत कुछ सिखाया है मेंटली और मैंने कई चीज़ें सीखी हैं मेरे हाथ पे लग गई थी चोट तो काफ़ी टाइम तक मैं घर पे था बैठा रहा था तो काफ़ी चीज़ें सोचता रहा अपने बारे में आपको कई चीज़ें पता लगती हैं घर पर मैंने कुछ कुछ कोशिश की अपने घर का काम करना बर्तन धोने सीखे मैंने क्योंकि घर की कई चीज़ें होती हैं हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं छोटी छोटी चीज़ें तो कोई हेल्प नहीं थी तो वो सीखा बीच में कुछ कोल्ड कॉफ़ी बनाने का एक वो चल रहा था दौर तो कोल्ड कॉफ़ी बनानी सीखी सो मेरे लिए काफ़ी फन रहा और कई चीज़ें जो आप कहते हैं ना कि जब छुट्टी होगी तब सीखूंगा तो काफ़ी सारी चीज़ें सीखी काफ़ी बुक्स पढ़ी काफ़ी मूवीज़ देखी सो आई रियली एंजॉयड और हाँ इस कैलेंडर का शूट भी किया तो वो भी बहुत एक्साइटिंग था एक्चुअली ये शूट निवेदिता के साथ था मेरा तो शायद अभी गई है या ये हमने लॉकडाउन में शूट किया था आई गेस ये लॉकडाउन में मेरा पहला शूट था आई डोंट नो मैंने और तेजस्वी ने खतरों की खिलाड़ी किया और हमें खुद नहीं पता लगा कि फैंस कब से हमें इतना प्यार देने लग गए इतना पसंद करने लग गए बल्कि हमने ये जब म्यूज़िक वीडियो शूट भी किया तो हम ऑब्वियसली जैसे जनरली प्रमोशंस करते हैं या कहीं जाते हैं तो सब नहीं कर पाए लेकिन उसके बावजूद भी इट्स अ वेरी बिग हिट एंड वो अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है एंड लोगों ने बहुत केमिस्ट्री पसंद करी और उसके साथ साथ कुछ और मेरी म्यूज़िक वीडियोस भी आ रही हैं अभी तो आई होप कि जैसे लोगों ने उसको प्यार दिया है आगे की वीडियोज़ में आगे के प्रोजेक्ट्स में होते ही प्यार दिया जी वो म्यूज़िक वीडियो हो चुका है शूट एंड बहुत जल्द शायद इस महीने के एंड में या 2021 के स्टार्ट में आएगा एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मैंने और निया ने बहुत मस्ती की बहुत अच्छे से शूट किए और काफ़ी बड़ा सॉन्ग है एंड सिंगर्स भी जो है अभी मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन काफ़ी बड़े सिंगर्स इन्वॉल्व हैं सो आई एम 100% के वो भी लोगों को बहुत पसंद आया मेरे ख्याल से मेरे बताने से अच्छा है एक बार जब लुक बाहर आ जाएगा तब उसके बारे में बात करना ज़्यादा अच्छा रहेगा बट यस हमने प्रोजेक्ट किया साथ में एंड काफ़ी अच्छा है वो भी बहुत अच्छा म्यूज़िक वीडियो भी हमने शूट किया तो अभी ज़्यादा नहीं बोलूँगा जब आ जाएगा तब बात करूँगा नहीं मैं बिग बॉस फॉलो नहीं कर रहा हूँ 2021 के क्या प्लान्स हैं इस म्यूजिक वीडियो के अलावा अभी बहुत सारे प्लान्स हैं यार सबसे पहले तो ये वैक्सीन आ जाए उसका प्लान है कि वैक्सीन आ जाए वैक्सीन हम लोग लगवा लें और धीरे धीरे शूट स्टार्ट हो जाए क्योंकि शूट पे भी उस लेवल पे शूट नहीं कर पा रहे हम
हमेशा ये मास्क के साथ रहना पड़ता है और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ के साथ रहना पड़ता है, तो एक बार वो चीज़ें आ जाएँ तो हम और खुल के शूट कर सकेंगे और बड़े प्रोजेक्ट्स बना सकेंगे, तो उसी की वेट हो रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा आइडिया था कैलेंडर का। लॉकडाउन के अंदर हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या किया, उन मोमेंट्स को तन्मय ने कैप्चर किया है इस कैलेंडर 2020 में। मेरी थीम थी लॉकडाउन पार्टी, यानी कि लॉकडाउन में अगर आपको कोई पार्टी करनी थी तो आपने कैसे करी। बहुत लोगों ने वीडियो कॉल्स, लैपटॉप पे, जूम, स्काइप, इन सब के थ्रू पार्टीज करी। तो थीम कुछ ऐसा है मेरी पिक्चर का कि आई एम लाइंग ऑन द फ्लोर फुल पार्टी मूड में, कपड़े पार्टी वाले, डेकोरेशन पार्टी वाले, ड्रिंक्स पार्टी वाले, और लैपटॉप पे 5-6 दोस्तों की वीडियो कॉल चल रही है। सो एवरीबॉडी इज हैविंग द सेम काइंड ऑफ फन। तो ये लॉकडाउन होने के बावजूद हमने पार्टी करना बंद नहीं किया, ये वो पिक्चर है, वो मूड है। और कितना अच्छा, मतलब वो क्रिटिसाइज कर रहे थे 2020 को, लेकिन आप बताइए आपके लिए कैसा रहा? मेरे लिए 2020 बहुत ही इवेंटफुल रहा है। मतलब बी एट गुड डन, बी एट बिकॉज, बी एट माई नेक्स्ट फिल्म एलएसी, ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव बीन रियली अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर मी। ऑफकोर्स 2020 बहुत मुश्किल रहा है, बहुत महामारी की वजह से काफ़ी लोगों को तकलीफ आई है, बट आई थिंक इट्स मेड अस स्ट्रॉन्गर एज ह्यूमन बींग। हम सब बहुत ही स्ट्रॉन्ग होकर निकले 2020 से, एंड आई थिंक अब हमें किसी भी चीज़ से डरने की जरूरत नहीं है। वी आर वेरी गुड फॉर, और अब बहुत जल्दी वैक्सीन भी आने वाली है, सो आई थिंक इट्स गोना बी ऑल गुड एंड ऑल नॉर्मल वेरी सून। फैंस से मुझे बिग बॉस आने के बाद इतना प्यार मिला है, बिकॉज दे ऑल लव द वे दे सॉ मी, दे सॉ द रियल नेचर ऑफ माइन। उन्होंने देखा एग्जैक्टली निशांत कौन है, कैसा है। सो मुझे निकल के सिवाय प्यार के और कुछ नहीं मिला, एंड आई थिंक दैट्स रियली लकी। बिकॉज अभी जितने लोग अंदर हैं उनके लिए बहुत तरह के मिक्स रिव्यूज चल रहे हैं। मैं पर्सनली रुबीना, अभिनव और राहुल को पसंद कर रहा हूँ फिलहाल बिग बॉस में, लेकिन उनके अलावा जो लोग हैं जाज जैसे मदर पीपल निकी एंड ऑल पीपल आर रियली, यू नो, सो आई एम रियली ग्लैड कि माई जर्नी हैड बीन वेरी पॉजिटिव। यार चैलेंजर्स का मैं क्या ही बोलूँ, आई थिंक इट्स स्ट्रेंज, क्योंकि जो चैलेंजर्स हैं ये सबके सब अपना अपना सीज़न खेल चुके हैं, ये सीज़न पूरा देख चुके हैं, तो दे आर समवेयर हैविंग एन एज, दे आर वेल इक्विप्ड, दे आर स्ट्रॉन्गर एंड दे नो द गेम वेरी वेल। थोड़ा अनफेयर है, लेकिन आई थिंक एंटरटेनमेंट में कुछ भी चलता है। आई मीन एवरीथिंग इज वेरी लव एंड वॉर एंड एंटरटेनमेंट नाउ, इट्स ओके। आई थिंक इट्स जस्ट गोइंग टू ऐड एंटरटेनमेंट टू द होल शो। देखो मेरा गलत आपका सही हो सकता है, आपका सही मेरा गलत हो सकता है, इट्स वेरी पॉसिबल। विकास और अर्षी के बीच में जो हुआ उसमें कहीं ना कहीं दोनों का ही कहीं ना कहीं हाथ था। अर्षी ने ऑफकोर्स काफ़ी इंस्टिगेट किया था, लेकिन कहने को ये भी बोल सकते हैं कि विकास को हाथ ही उठाना चाहिए था, फिजिकल नहीं होना चाहिए था, आफ्टर ऑल दैट्स द बिगेस्ट रूल ऑफ दैट गेम। लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कोई भी नॉर्मल इंसान इतना इंस्टिगेट होगा तो रिएक्ट कर ही जाएगा। So I don't blame him completely, and I hope he comes back to the game because I don't think he deserves to go out so soon. My next film, LAC, Line of Actual Control, that's a beautiful film. It's India's first one-shot film that's coming out. It's a web film, and uske baad bhi ek project which I will discuss in January. I'm not allowed right now. So yeah, it's all well, it's all great, and I'm really looking forward to 2021. All right, thank you, thank you, thank you. एक स्टेप पीछे, एक स्टेप पीछे।
एक्चुअली जो थीम है वो बहुत होम क्वारंटीन है और इसकी वजह से हम लोगों ने जो स्टाइलिंग किया सो आर थीम इज़ होम क्वारंटीन तो उसके हिसाब से हमने जो थीम सोचा स्टाइलिंग के लिए इट वॉज लाइक के एवरीबॉडी एंड होम इज़ लाइक वेरी ईजी एंड कूल सो वाई वी डोंट गेट देम ड्रेस लाइक वेरी ड्रेसी रेड कार्पेट एट होम तो हमने वही सब सोचा या बिकॉज लाइक जब हम घर पे होते हैं तब वी आर लाइक इन अ वेरी होमली जोन जहाँ पे हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं बट सिंस हम लोग होम क्वारंटीन थे एंड वी वॉन्ट एवरी वन शुड लुक ग्लैमर बिकॉज सबका मूड एक अलग होता है लाइक एवरी वन वॉन्ट लुक ड्रेसी दे वॉन्ट लुक गुड सो हम लोगों ने वही चीज़ इस कैलेंडर में शो करने की कोशिश की और सी तन्मय एंड मैं और तन्मय बहुत टाइम से काम कर रहे थे साथ में और अभी हमने आई थिंक एक साल बाद फिर से काम किया इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस वर्किंग टुगेदर इट्स ऑलवेज अ गुड प्लेजर एक्चुअली टू वर्क विद हिम बिकॉज अपार्ट फ्रॉम दिस कैलेंडर ऑल्सो वी आर वर्किंग इन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम लाइक इट्स बीन आई गेस मोर देन 3 years टुगेदर वर्किंग सो हमेशा मजा आता है तन्मय के साथ काम करने में कैलेंडर लेके आ रहे हैं हम लोग थोड़ा इंटरेस्टिंग बना रहे हैं क्वारंटाइन सो होपफुली आप सबको पसंद आ जाएगा आई गेस एक कैमरा इसमें हम लोग रिलीज कर ही देंगे किसका आइडिया था ये कि इस तरह का कॉन्सेप्ट लेके आना है करेंगे जो हमेशा हम करते हैं देन वी थॉट वर्ड यूज करते हैं क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस ढूंढ रहे थे वी ऑल लाइक पीपल स्टाइलिश वी ऑल एक्चुअली सिट टुगेदर वी डिसाइडेड कि यार ऐसा कुछ करते हैं जो सबने इस पूरे लॉकडाउन में किया है थैंक यू Thank you. Hello everybody, sorry for the delay. 2021 का कैलेंडर लॉन्च होने जा रहा है क्या कहना चाहेंगे मैं बस ये कहना चाहूँगी दैट तन्मय फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग मी इन्वॉल्व इन दिस कैलेंडर लॉन्च इसी बहाने कुछ प्रोडक्टिव किया 2020 में और अच्छा फोटोशूट भी हुआ है एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एवरीबडी टू सी इट बिकॉज मैंने ऐसा फोटोशूट पहले नहीं किया वो अंदाज में जो अंदाज में मैं कभी जनरली नजर नहीं आती हूँ सो आई एम गोइंग टू वेयर अ वेरी प्रिटी गाउन व्हिच इज व्हिच विक्टर एंड सोहेल गॉट फॉर मी एंड तन्मय हैज टेक माय पिक्चर्स आई एम वेरी एक्साइटेड जब भी होता ना कि लॉकडाउन में देयर वाज अ पॉइंट व्हेन ऑल ऑफ अस हैड लॉस्ट इट कि हमें तैयार होकर कहीं बाहर जाना है पर हम जा नहीं सकते थे सो आई एम वन ऑफ दोज पीपल और मैंने तैयार होकर बस फोटोज खिंचवाई दैट्स माय लुक थैंक गॉड माई लॉकडाउन वॉज रियली रियली नाइस बिकॉज मैं अपने मॉम डैड के साथ थी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ थी मैंने खाना बनाना सीख लिया मैंने बर्तन धोना सीख लिया मैंने हाँ लाइक आई बिकम वेरी संस्कारी नाउ आई अब मेरे में सारे वो गुण हैं जो चाहिए होते हैं एक लड़की के अंदर सो या 2020 से मैंने ये सीखा एक्चुअली मैंने ये पहले भी सीख लिया था पर अब 2020 ने ये कन्फर्म कर लिया है दैट प्लीज़ डू नॉट टेक पीपल फॉर ग्रांटेड लव एवरीबडी हुज़ अराउंड यू रिस्पेक्ट देम
और भगवान को कभी निराश मत करना वरना फिर से आएगा कोई नया वायरस. Not really, but my mom is a big Big Boss fan and she likes Rahul Vaidya a lot. There was one more. And Rakhi Sawant, I love Rakhi Sawant. So yeah, sometimes I watch it because now she's in the show. मेरी जो एक वेब सीरीज थी कुकीज़ वो अभी लॉन्च हो गई है ऑन हॉटस्टार. आई डिड अ शॉर्ट फिल्म फॉर हॉटस्टार सो इट जस्ट लॉन्च ऑन हॉटस्टार. अब प्लस आई डू अ कपल ऑफ शूट्स और मेरा फिल्म आगे अभी एक डेढ़ महीने पहले ही ख़त्म हुआ है. सो आई एम जस्ट चिलिंग फॉर द मोमेंट फॉर अ मोमेंट और होपफुली बहुत जल्द मैं वापस आ जाऊँगा. थैंक यू. फ्रेंकली स्पीकिंग मैं नहीं हूँ कैलेंडर में. मैं सिर्फ अपने दोस्तों के लिए आया हूँ यहाँ पर. यस और तन्मय के लिए आया हूँ ऑब्वियसली. आई फील तन्मय इज़ वेरी टैलेंटेड. उनका जो विजन है वो बहुत ही अलग है एंड बहुत ही रियलिस्टिक कहीं ना कहीं वो फोटोज़ ट्राई करते हैं अचीव करने की जो मुझे बड़ा पसंद है. सो यस ऑल दी विशेज टू तन्मय फॉर दिस अमेजिंग कैलेंडर लॉन्च. एंड जैसे 2020 जो गया है तो 2021 आई एम श्योर ये नए कैलेंडर के साथ बहुत अच्छी चीज़ें लाएगा. आप क्या कर रहे थे 2020 में और कैसा मतलब क्या क्या मैसेज लेके जाना चाहेंगे? फैमिली टाइम तो बहुत ज़्यादा स्पेंड किया 20 में और एक चीज़ जो मैंने सीखी वो ये थी कि नो लाइफ में जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे हम लोग भाग रहे थे वो कहीं ना कहीं ज़रूरी नहीं है. बेसिक से भी चीज़ें चल सकती हैं. सिर्फ जो ज़रूरी है वो है अपने लोग और अपने लोगों का प्यार. दैट्स इट. 2021 के बहुत प्लान्स हैं. यू नो होपफुली मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहूँगा. मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को और फिट करना चाहूँगा. मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने आजू बाजू के जो प्यार करने वाले लोग हैं उनको और प्यार दे सकूँ. सो यस 2020 इज़ ऑल अबाउट लव एंड होप एंड यू नो पॉजिटिविटी. अपकमिंग प्रोजेक्ट आई वोंट बी एबल टू से इट राइट नाउ बिकॉज यू नो इट्स स्टिल अंडर पेपर्स. सो वंस आई फाइनलाइज समथिंग आई डेफिनेटली लेट यू. जी 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 बहुत कमाल है. मैंने उनके कुछ सीक्वेंसेस देखे और बहुत ही प्यारा काम कर रही है वो. इरावती कैरेक्टर है उनका एंड शी इज़ डूइंग अमेजिंग एंड ऑब्वियसली उनको बेहतरीन कलाकारा तो है ही है. तो यस ऑल दी लव टू हर. Thank you.